दोस्तों आज का रेसिपी बहुत ही मस्त है, ये ज़रूर से बनाइएगा। बहुत ही अच्छा बनता है, बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाला है और ये हेल्दी भी है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का कचौड़िया। तो देखिए कितना अच्छा बना है, बहुत ही क्रंची बनता है, तो ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर से करें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक आ सके। तो देखिए बनाना बहुत इजी है, खाने में बहुत टेस्टी है, बनाइएगा ज़रूर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्टफी बना लेते हैं, डो। तो ये देखिए कढ़ाई चढ़ाए हैं, तेल डाल दिए हैं, तेल हमारा गर्म हो गया है। तो एक चम्मच भर के जीरा और एक चम्मच बारीक काटी हुई अदरक डाल दिए हैं, दोनों को बढ़िया से हम चटकने देंगे। तो अब डाल देंगे इसमें हम 2 से 3 हरी मिर्च, आपने तीखी के अनुसार डालिए, तीखा खाते हैं तो डालिए वरना कम डालिए। तो देखिए इस तरह से हम इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे इसे चलाते हुए। तो ये देखिए ये हो गया है। तो अब डालेंगे हम इससे 2 कटोरी भरकर पानी डाल रहे हैं। तो 1 कटोरी हमने डाल दिए हैं, 1 कटोरी फिर से डाल दिए हैं। अब इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, उबाल आने के लिए इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी नमक। तो नमक अपने अकॉर्डिंग डालिए, कितना आप बना रहे हैं डो उसी हिसाब से। तो नमक डाल दिए हैं 1 चम्मच और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हाई फ्लेम पर हमें बढ़िया से उबाल आने तक पकाना है। तो देखिए ये उबाल आ चुका है बहुत ही बढ़िया सा। तो अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी कूटी हुई लाल मिर्च, जैसे कि हम बताए हैं तीखे खाते हैं तो डालिए वरना स्किप कर सकते हैं। अब जो कटोरी से हम पानी लिए हैं 2 कटोरी, तो 1 कटोरी सूजी के लिए हमें 2 कटोरी पानी लेना है। तो 2 कटोरी पानी लिए हैं और 1 कटोरी उसी कटोरी से सूजी है। तो अब इसमें हम डाल देंगे, ऐसे ही हमें लगातार चलाते हुए डालना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना आए। देखिए इसे डाल लिए हैं, तो इसे हम फ्लेम को लो कर लेंगे और इसे चलाते हुए पका लेंगे। बढ़िया से लो करेंगे ताकि हमारा सूजी बढ़िया से पक जाए और ये एक डो के फॉर्म में आ जाए। तो लीजिए ये हमारा सूजी बहुत ही बढ़िया से पक गया है और ये एक डो के फॉर्म में आ गया है। तो इसे ऐसे ही चलाते ये हम इसे उतार लिए हैं। अब इसे छोड़ देंगे ताकि ये बढ़िया से ठंडा हो जाए। तो बर्तन में हम पलट लेंगे ताकि जल्दी से ठंडी हो जाए, कढ़ाई गर्म है तो इसमें जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो ये देखिए एक प्लेट में रख के इसे ढक दिए ताकि सॉफ्ट बना रहे। अब फिर से हम कढ़ाई ले लिए हैं, उसमें तेल डालेंगे। तो तेल हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे जीरा। तो जीरा भी हम डाल दिए हैं, ये चटकने लगा है तो इसे हम बढ़िया से चटकने देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम अदरक। तो अदरक हमारा बारीक कटा हुआ अदरक है, आप चाहे तो ग्रेट करके ले सकते हैं। दोनों को हम पका लेंगे बढ़िया से। हरी मिर्च डाल दिए हैं, थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें सब्जियां। तो ये सब्जियां में बीन्स है और प्याज, ये दोनों हम डाल देंगे पहले। थोड़ी देर के लिए इसे भूनेंगे, उसके बाद हम डाल देंगे इसमें ग्रेट किए हुए गाजर। तो ये देखिए ये गाजर भी हम डाल देंगे। बस सब्जियां हमें हल्का सा रोस्ट करना है, इसे जलाना नहीं है, बस बहुत थोड़ी सी हम रोस्ट करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए इसे हम ऐसे ही चलाते हुए रोस्ट करना है, प्याज का हल्का कच्चापन निकल जाए और क्रंची साइज का टेस्ट आए इसके। तो ये देखिए अब क्या करेंगे, इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार हिसाब से, क्योंकि हमें डो में भी नमक डाले हुए हैं तो उसी हिसाब से हम नमक डाल लिए हैं। थोड़ी सी हींग डालेंगे। अब सारे बेसिक जो मसाला डालना है जो इस समय हम इसमें ऐड करेंगे, तो सबसे पहले हम हींग डाल लिए हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे हम ये आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर है, कूटी भुनी हुई जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर है, काश्मीरी लाल मिर्च है, तीखे के लिए हमने हरी मिर्च डाले हुए हैं इसलिए हम कलर के लिए डाल दिए हैं सिर्फ काश्मीरी मिर्च, और 1 चम्मच भर के हम डाले हैं
चाट मसाला। आप चाहे तो आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। सारे को डाल के हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसे भून लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ी देर के लिए हम इसे भून लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे ये ग्रेट किया हुआ आलू है। आप चाहे तो तुरंत उबाल कर इसे मैश कर भी ले सकते हैं। हमारा आलू हम फ्रिज से निकाल कर इसे ग्रेट कर लिए हैं। अब इसे बढ़िया से चलाते हुए हमें मिक्स करना है। तो ये देखिए, इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। पहले देखिए हमारा ये बढ़िया से मिक्स हो गया है। तो देखिए ये बहुत ही बढ़िया सा मिक्स हो गया हमारा चोखा का। बहुत ही बढ़िया खुशबू इस समय आ रहा है। तो अब इसमें हम डाल देंगे पनीर। तो पनीर ज़रूरी नहीं है, पर इस डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हो तो ज़रूर से डालिएगा। तो ये देखिए, इसे मैश कर हम हाथों से लिए हैं और इसे बढ़िया से हम मिला लेंगे। तो इसे हम गैस को बंद किए हुए हैं, बंद कर दिए हैं। अब इसे बढ़िया से सिर्फ मिक्स कर लेना है। तो देखिए ये हो गया है। तो अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तो देखिए धनिया भी हमने डाल दिए हैं, इसे मिला लेंगे। अब इसे हम अलग बर्तन में पलट लेंगे। और देखिए चलते हैं हम डो की तरफ। तो देखिए डो हमारा हल्का गुनगुना हो गया है, ज़्यादा गर्म नहीं है, बस हाथ सहने लायक है। तो अब इसे हम बढ़िया से इस तरह से मसाल लेंगे ताकि हल्का फल्का जो गुठलियाँ आ जाता है वो बढ़िया से मिक्स हो जाए, सॉफ्ट सा हमारा डो बन जाए। तो अगर सूजी का है, अगर हाथों में चिपक रहा है, तो हल्का सा घी या ऑयल लगा लीजिए। अब ये देखिए बढ़िया से हम इसे मसाल लिए हैं, दो पार्ट में करके दो डिवाइड कर दिए हैं। अब इसे इस तरह से रोल करके हमें पेड़े काट लेना है। जितना बड़े या छोटे बनाना है उस हिसाब से आप काट लीजिए। तो ये देखिए हम इस तरह से काट लिए हैं। अब ये हमारा चोखा भी हो गया है थोड़ा ठंडा। तो इसे हम गोल गोल इस तरह से आकार दे देंगे। ज़्यादा बड़े नहीं करना है क्योंकि हम छोटे छोटे साइज को बना रहे हैं कचौड़ियाँ। तो देखिए हम बना लिए हैं। अब इसे हम हथेलियों के बीच इस तरह से गोल करके और दबा देंगे। दबा के इसमें हम बढ़िया से, जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं इसी तरह से इसे ये देखिए पैक कर लेना है। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये पैक हो जाता है। तो इसी तरह से हम एक और बनाते हैं। और अगर हमारे रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और नीचे दिए गए लाइक का बटन उस पर ज़रूर से क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर इंस्टाग्राम पर मेरे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा ज़रूर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर से देखिएगा। तो देखिए इसी तरह से सारे हम बना के तैयार कर लिए हैं। अब चलिए फ्राई के प्रोसेस में चलते हैं। तो देखिए पहले से कढ़ाई चढ़ाए हुए थे, तेल हमारा बढ़िया से गर्म है और बहुत ही हाई फ्लेम पर हमें नहीं रखना है। और देखिए सारे को जितना कि कढ़ाई में जाए उतना हम डाल लिए हैं और इसे बढ़िया से हम फ्राई कर लेंगे। तो चलिए बातों बात में देखिए उलट पुलट कर दोनों तरफ से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिए हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया सा हो गया है फ्राई। तो सारे को हम निकाल लेते हैं, बचे हुए पीसेस भी ऐसे तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो आज का रेसिपी कैसा लगा फ्रेंड? अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर से करें ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक जा सके। और प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमें आपका सपोर्ट का बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए बातों बात में हमारा सारा रेसिपी फ्राई हो गया है। तो देखिए हम सर्व किए हैं। आप इसे हरी चटनी या टमाटो केचप के साथ आप ले सकते हैं। बहुत मस्त, देखिए कितना क्रंची बना है, देखने से ही पता चलता है। तो ये देखिए कितना अच्छा से हमारा रेसिपी बनकर तैयार हुआ है। अब बच्चे को लंच में या ब्रेकफास्ट में या ऐसे भी घर पे हल्का फल्का भूख मिटाने के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई मेहमान आएंगे तो फटाफट से इस तरह से बना के दीजिए, बहुत चाह से खाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।